Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 5, understanding elementary shapes. अब लास्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अबाउट लाइन सेगमेंट्स एंगल्स, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि कैसे ही लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन्स यानी कि ऐसे शेप्स जो कम्प्लीटली लाइन सेगमेंट से बने हुए हों, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जो सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है, वो हमने सीखा था, इट इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स और ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। सेकेंड आता है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी लास्ट चैप्टर में। अब हम सीखेंगे, ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट के बारे में सीखा था, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, अबाउट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से हमने बनाना सीखा था, ठीक है। जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट जो है यहाँ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए, और एक एंड पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट भी हो तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए बी के ऊपर हम ऐसे एक छोटा सा लाइन खींचते हैं जो कि हमें बताता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, ठीक है। इस फिक्स्ड मेजरमेंट को क्या कहते हैं, लेंथ, ठीक है। ये जो फिक्स्ड मेजरमेंट होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है, इसे कहा जाता है लेंथ, ठीक है। हर एक लाइन सेगमेंट का कोई ना कोई लेंथ होता है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट बनाई है मैंने, ठीक है, तो इसका भी कोई ना कोई लेंथ है, ठीक है। और लेंथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या यूनिट लगाएंगे, सेंटीमीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी तो हम अपना स्केल निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बनाते हैं एक लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 10 ले लेते हैं तो थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ 10 तक स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू का मेजरमेंट क्या हो गया, फिक्स्ड मेजरमेंट क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का, यानी कि पी क्यू की लेंथ क्या हो गई, पी क्यू की लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें कोई पूछे कि पी क्यू की लेंथ क्या है तो हम क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ, ठीक है, कि क्या होता है लाइन सेगमेंट का लेंथ, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट को मेजर करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने स्केल उठाए और मेजर कर लिया, ठीक है। और भी कई सारे मेथड्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है टू मेजर लाइन सेगमेंट। सो वेरी फर्स्ट मेथड है टू मेजर लाइन सेगमेंट इज कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिर्फ देख के बता देना कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, ठीक है। तो बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हैं ए बी, ठीक है, यहाँ पे है लाइन सेगमेंट ए बी और यहाँ है लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। तो हम बाय मेयर ऑब्जर्वेशन यानी देख के ही हम बता सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो बड़ा है, ठीक है, और सी डी लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। तो सी डी इज़ शॉर्टर देन ए बी, ओके, और सी डी इज़ स्मॉलर देन ए बी। लेकिन क्या हम इसकी स्पेसिफिक लेंथ बता सकते हैं बाय मेयर ऑब्जर्वेशन कि ए बी 10 सेंटीमीटर का ही है या ए बी 12 सेंटीमीटर का या सी डी 8 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है? नो, हम इसकी लेंथ जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ देख लेने से हम थोड़ी कह सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर्स का है या इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ए बी जो है वो बड़ा दिख रहा है और सी डी जो है वो छोटा है कंपेयर टू ए बी, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं, देखो ए बी दिख रहा है और यहाँ पी क्यू दिख रहा है, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हैं कि पी क्यू और ए बी में से कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है,
ठीक है। सो देखने में तो हमें दोनों इक्वल ही दिख रहे हैं, ठीक है, कि पी क्यू और ए बी दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, सेम लेंथ के दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई लेंथ सेगमेंट में बहुत ही माइनर डिफरेंस हो, ठीक है, तो वो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकते। अब इसमें तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि ए बी बड़ा है और सी डी छोटा है, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत ही माइनर डिफरेंस भी हो सकता है, हो सकता है ना कि ए बी जो है उसका लेंथ क्या हो 4.8 सेंटीमीटर और पी क्यू का लेंथ क्या हो 4.6 सेंटीमीटर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जो माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है, अब यहाँ देखो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है वो हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते, ठीक है। ये जो माइनर डिफरेंस होता है वो हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हम कि इनकी लेंथ क्या है। तो इस वजह से कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन ये जो मेथड है वो हम किसी लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए एक्यूरेट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्यूरेट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम सेकेंड मेथड ऑफ मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ मेजरिंग लाइन सेगमेंट इज कंपेरिजन बाई ट्रेसिंग, यानी कि ट्रेस करके कंपेरिजन करना कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है और कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है बाई ट्रेसिंग। अब ट्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है कि हम उसके आर पार ईजीली देख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको सी डी पे रख दिया है, ठीक है, तो आप देखो, देख सकते हो ना, सी डी उभर के आ रहा है, दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, सी डी को ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पेपर रख लिया, अब मैं क्या करूँगी, अपने पेन से, ठीक है, मार्कर से क्या करूँगी, इसे ट्रेस कर लूँगी इस तरीके से। ये मैंने ट्रेस कर लिया सी डी। अब मैं क्या करूँगी, सी डी को कंपेयर करूँगी ए बी से, इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से, ठीक है। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है, देखो सी डी मात्र यहाँ तक सीमित है, ठीक है, और लेकिन ए बी जो है वो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सी डी इज़ शॉर्टर देन ए बी, ठीक है। ए बी बड़ा लाइन सेगमेंट है और सी डी क्या है, छोटा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, क्या हम ये सारे लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तो हमें क्या दिख रहा था कि बड़ा डिफरेंस दिख रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हमने ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके कंपैरिजन कर लिया कि सी डी शॉर्टर देन ए बी। लेकिन मान लो अगर ए बी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उसे हम कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। और ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि हमने कितना एक्यूरेटली जो लाइन सेगमेंट है उसे ट्रेस किया है, ठीक है, और उसे ट्रेस करने में कोई मिस्टेक नहीं किया है। लेकिन मान लो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि सी डी है हमारा 4.5 सेंटीमीटर और उसे मैंने ट्रेस करते वक्त ट्रेस कर लिया 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा कि ट्रेसिंग में एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। अब सिंस कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग इस मेथड से भी हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट मेथड चाहिए होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लाइन सेगमेंट। नाउ द थर्ड मेथड इज कंपेरिजन बाय रूलर, बाय यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर, यानी कि रूलर और डिवाइडर को यूज़ करके लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रूलर क्या होता है। आपके कंपास बॉक्स में कुछ इस तरीके का टूल होता है, ठीक है, जैसे हम स्केल भी बोलते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, रूलर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके जो कंपास बॉक्स में स्केल होती है उस पर 0 से लेके 15 तक मार्क होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी स्केल होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि 0 से 1 के बीच में भी बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ठीक है, यानी कि 0 से 1 तक ये जो होते हैं, ठीक है, ये कितने में डिवाइडेड होते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देखो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन ये जो आता है ये होता है हमारा 1, ठीक है।
तो ये जो छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं ठीक है, इसे कहा जाता है मिली मीटर। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहा जाता है, mm कहा जाता है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm हुए, तो 2 सेंटीमीटर्स में कितने mm हो जाएंगे, 20 mm हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर्स में कितने mm हो जाएंगे, 30 mm हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कंपैरिजन यूजिंग रूलर। ठीक है, तो कंपैरिजन यूजिंग रूलर आप क्या करोगे, आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी स्केल निकालेंगे ठीक है, और मेजर करेंगे। जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का, उसको हम रखेंगे 0 पे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये रख दिया 0 पे, और देखो हमारा सेकेंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, 11 पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि MN लाइन सेगमेंट MN इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेकिन इस मेथड का भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक बैकलॉग है। वो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में स्केल को, जैसे हमने एग्जैक्टली 0 पे नहीं रखा है, अगर हमने आगे पीछे रख दिया है या हमारे व्यूइंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो क्या होता है कि हम मेजरमेंट जो है वो गलत निकाल लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमने 11 की जगह हम मेजर कर लिया हो 11.1 या 11.2, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्केल की थिकनेस की वजह से और हमारे एंगुलर व्यू, यानी कि किस तरीके से हम देख रहे हैं, किस ओर से देख रहे हैं, इस वजह से भी क्या हो सकता है कि कंपैरिजन क्या होता है, रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो इस बैकलॉग की वजह से हम क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे यूजिंग अ डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या होता है, तो देखते हैं। सो अब देखते हैं कंपैरिजन यूजिंग अ डिवाइडर, रूलर एंड अ डिवाइडर। यानी कि ये जो मेथड है इसमें दोनों का यूज़ होता है, डिवाइडर का भी यूज़ होता है और रूलर का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइडर क्या होता है। तो ठीक है, आपके कंपास बॉक्स में एक ऐसा टूल आता है, ठीक है, जो दोनों साइड से पॉइंटेड होता है। एक तो होता है जो वन साइड पॉइंटेड होता है, और सेकेंड साइड आप एक पेंसिल अटैच कर सकते हो, ठीक है, जो हम सर्कल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम कंपास कहते हैं। तो डिवाइडर होता है जो दोनों साइड से पॉइंटेड होता है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखो अगर मान लो ये हमें जो लाइन सेगमेंट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर लेंगे और इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके एक एंड को रखेंगे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, और सेकेंड को मेजर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक पॉइंट रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक रखना है एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये मैंने रख लिया इस तरीके से। इसी तरीके से आपको कोई भी लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है और जो सेकंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट पे रखना है। इस तरीके से आपको मेजर कर लेना है। ठीक है, फिर उसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है, और क्या करना है, अपना रूलर निकाल लेना है। फिर रूलर पे हमें मेजर करना है कि ये लाइन सेगमेंट कितना लॉन्ग है। ठीक है, तो एक पॉइंट को आप रखेंगे 0 पे, ठीक है, 0 पे होना ज़रूरी है, और सेकंड पॉइंट को हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सी, यहाँ पे मैंने रखा ये 0 पे, और देखो सेकंड पॉइंट कहाँ जा रहा है, हमारा 11 पे जा रहा है। ठीक है, एक मैंने 0 पे रखा है और दूसरा पॉइंट हमारा है 11 पे। ठीक है, तो इससे हम एकदम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो कितना लॉन्ग है। ठीक है, सो MN जो है वो कितना लॉन्ग है, इट इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम यहाँ लिख देंगे MN, ठीक है, इट इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सो यूजिंग अ डिवाइडर एंड अ रूलर हम एकदम एक्यूरेटली किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम इससे फिक्स्ड मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जितना भी मेजरमेंट हो, फिर इसे हमें मूव नहीं करना है, और यूजिंग अ रूलर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है।
ठीक है। तो ये था मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय, टेक केयर।